नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। 32 वर्षों बाद चौधरी रणजीत सिंह ने आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्हें उनके कमरे तक सभ्य कुर्सी पर बिठाने के लिए गए और चौधरी रणजीत सिंह को मिठाई खिलाकर उन्हें कार्यभार संभलवाया। उधर रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत बुके देकर किया और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मिठाई भी खिलाई। चौधरी रणजीत सिंह 1987 में अपने पिता चौधरी देवीलाल के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने थे और उसके बाद 1989 में राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और इसके बाद अब वे 2019 में रानी सीट से कांग्रेस के टिकट का दावा किया, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच जारी लड़ाई में उनका टिकट कट गया और युवा कांग्रेस नेता को टिकट दे दिया। रणजीत सिंह ने इस बार फिर अपने मन की सुनी और आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। राजनीतिक हालात ऐसे बदले कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें इनेलो का साथ भी मिला, जाट वोट उन्हें खूब मिला और इसी के सहारे इस बार उनकी किस्मत खुल गई। इस बार उन्हें प्रदेश का बिजली मंत्री बनाया गया है और इसके अतिरिक्त उनको 3 अन्य विभाग भी सौंपे गए हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर।